कोलकाता टीम में शामिल होते हैं श्रेयस अय्यर, बने शाहरुख खान के दामाद। दोस्तों बेटी सुहाना खान को हो चुका है प्यार, तो क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कोलकाता टीम के श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना चाहिए या फिर किसी और खिलाड़ी को कमेंट में जरूर बताएं। और बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों यह खबर सीधा आ रहा है श्रेयस अय्यर और सुहाना खान के तरफ से। आपको बता दें दोस्तों मेगा ऑक्शन में सुहाना खान भी थी और साथ में आर्यन खान जो कि दोस्तों शाहरुख खान के बेटे और बेटी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों श्रेयस अय्यर को काफी ज्यादा महंगे प्राइस में खरीदा गया है कोलकाता के तरफ से कप्तानी के लिए। और दोस्तों मेगा ऑक्शन के ठीक बाद श्रेयस अय्यर को प्रपोज कर दिया है सुहाना खान ने, जो कि दोस्तों शाहरुख खान की बेटी है। आपको बताते चले दोस्तों इस बात का खुलासा आज से 2 महीना पहले भी किया गया था कि सुहाना खान और श्रेयस अय्यर रिलेशन में है। लेकिन दोस्तों यह खबर बाद में दब गया था, इस पर कोई भी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद इस खबर पर दोस्तों कोई भी चर्चा नहीं हुआ था। लेकिन एक बार फिर से यह खबर दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है कि श्रेयस अय्यर को इसलिए ही खरीदा गया है क्योंकि सुहाना खान इनसे काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने टीम में लाने का फैसला लिया और साथ ही कप्तानी भी देने का फैसला लिया है। आपको बताते चले दोस्तों सुहाना खान और श्रेयस अय्यर का दोस्तों रिश्ता काफी ज्यादा गहरा है। करीब दोस्तों यह 2 साल से रिलेशन में थे और अब फाइनली श्रेयस अय्यर को कोलकाता की कमान देकर दोस्तों यह साबित कर दिया है सुहाना खान ने कि दोस्तों शाहरुख खान के दामाद बनने जा रहे हैं श्रेयस अय्यर। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट में जरूर बताएं।